हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं राज बदल गया है। कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर ली है, जबकि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी में संघर्ष हो सकता है। कांग्रेस को अपने विधायकों के खरीद फरोख्त की राजनीति का डर भी सता रहा है। इससे बचने के लिए कांग्रेस शिमला के बजाय जीते हुए विधायकों की बैठक चंडीगढ़ में करने जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस विजयी हुई है। उन्हें केंद्रीय नेतृत्व व प्रचारकों का सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के लिए आज भी लोगों ने समर्थन दिया है। भाजपा सरकार की नाकामी से लोगों में निराशा थी। 5 सालों में कोई जनता को लाभान्वित करने वाले काम नहीं हुए। कोविड काल में भी घोटाले व निराशा ही हाथ लगी। बीजेपी से किसान, बागवान व कर्मचारियों सहित हर वर्ग निराश था। महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त जनता के सामने उम्मीद के रूप में कांग्रेस नजर आई। इस बात का एहसास रखते हुए कांग्रेस आने वाले समय में जनता से चुनाव के लिए किए गए वादे पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि विधायक ही मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, लेकिन वीरभद्र परिवार के योगदान को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस के चुने हुए विधायकों की बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है, जिसमें सीएम के चेहरे को लेकर मंथन किया जाएगा। इसमें चुनाव पर्यवेक्षक शामिल होंगे, जिसके बाद बैठक की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर निर्णय किया जाएगा। बैठक को चंडीगढ़ में करवाने के पीछे प्रतिभा सिंह ने तर्क दिया कि यह सभी दूर दराज के विधायकों को पहुंचने के लिए सेंटर प्वाइंट है। न्यूज डेस्क N1 लाइव। और माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय हिमाचल विकास के लिए दिया है और बढ़ चढ़ के यहाँ के काम किए हैं। जिस क्षेत्र में भी वो गए, जिन्होंने भी मांग की कि हमको स्कूल की कोई कमी है, 10+2 स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और वो अग्रिम में पैसा भी उसके लिए उपलब्ध करवा देते थे। एज सून एज ही अनाउंस्ड कि आई वॉज गिविंग अ 10+2 और कॉलेज एंड ही वुड गिव द मनी ऑल्सो एंड से कि आप यू गो अहेड, तो तुरंत वो काम पर भी काम हुआ करते थे। और आज आप देखेंगे कि लोगों ने कंपैरिजन किया, लोगों ने ये देखा कि हमने बीजेपी को भी मौका दिया, बीजेपी की सरकार भी बनी, पर इनके कार्यकाल में ना कोई काम आगे बढ़े और ना ही कोई बात ऐसी हुई जिससे हम इस सरकार को दोबारा रिपीट करने का मौका दें। तो मैं समझती हूँ कि इस बार हमने OPS की बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ी निराशा लोगों के दिल में थी कि भाजपा के लोगों से हमने बार बार आवेदन किया, भाजपा की सरकार से आवेदन किया कि हमको OPS लागू करके दे, पर हमने कहा कि अगर भाजपा ने नहीं किया तो हम आपको, हमारी सरकार बनेगी तो OPS भी हम आपको लागू करके देंगे। और महिलाओं को जो अपना घर गृहस्थी चलाने में बहुत सी दिक्कतें आ रही है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, तो हमने उनको कहा कि हम हर महिला को हर माह 1500 हमने उनको धनराशि देने की बात की है। और उसके अलावा हमने नौजवानों को, जो कि आज की डेट में भी 65,000 वेकेंट पद पड़े हैं, तो हमने कहा हमारी सरकार आएगी, हम इन पदों को भी भरेंगे और हम नए आयाम स्थापित करेंगे जिससे हमको, हम अपने नौजवानों को रोजगार प्रदान कर सकें।